संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। सबसे अगर आप देख लेते हैं कि शिक्षण विधियां कितनी प्रकार की होती हैं, तो शिक्षण विधि होती है दो प्रकार की। जो पहली विधि है वो है शिक्षक केंद्रित विधि, अर्थात इस विधि का जो केंद्र होता है, केंद्र बिंदु होता है, वो शिक्षक होता है। दूसरा होता है बाल केंद्रित विधि। इस विधि के अंतर्गत बालक को केंद्रित माना जाता है, ठीक है। जो यह विधि है यह मनोवैज्ञानिक विधि नहीं मानी जाती है, जबकि बाल केंद्रित विधि मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें बालक का अध्ययन किया जाता है। शिक्षक केंद्रित विधि तीन प्रकार की होती है और बालक केंद्रित विधि होती है 14 प्रकार की। चलिए आगे देखते हैं। हम आज शुरू करने वाले हैं शिक्षक केंद्रित विधि, ठीक है। ये जो विधि है ये होती है तीन प्रकार की, जिसमें पहला होता है व्याख्यान विधि, दूसरा होता है व्याख्यान प्रदर्शन विधि और तीसरा होता है प्रदर्शन विधि। ये तीन प्रकार की विधि होती है जो कि शिक्षक केंद्रित विधि होती है। आप यहां देख सकते हैं कि शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत तीन विधियां आ गई जो मैंने आपको बता दी अभी। छात्र केंद्रित विधि के अंतर्गत आती हैं 14 विधियां, जिनमें पहला है खेल विधि, दूसरा प्रश्नोत्तर, तीसरा शैक्षिक पर्यटन विधि, चौथा विश्लेषण विधि, पांचवा संश्लेषण विधि, छठा आगम विधि, सातवां निगमन विधि, आठवां परियोजना विधि, नौवां समस्या समाधान विधि, दसवां है अन्वेषण विधि, ग्यारहवां विचार विमर्श विधि, बारहवां डाल्टन या ठेका विधि, तेरहवां है क्षेत्रीय शिक्षण विधि और 14 है खोज विधि। तो ये जो 14 विधियां हैं ये आती हैं छात्र केंद्रित विधि के अंतर्गत। तो शिक्षक केंद्रित विधि में जो मैंने आपको बताया व्याख्यान विधि, तो यह सबसे पुरानी विधि है। बात कर रहे हैं व्याख्यान विधि की, तो यह सबसे पुरानी विधि है, क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था कि भाई कागज और पेन नहीं होता था, तो जो शिक्षक होते थे वो क्या करते थे, व्याख्यान देते थे और उनके सम्मुख जो बच्चे हैं वो बैठकर उन्हें सुनते थे। तो इसलिए यह सबसे पुरानी, क्वेश्चन में आ सकता है आपका कि सबसे पुरानी विधि कौन सी है, तो व्याख्यान विधि। यह प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि है क्योंकि यह शिक्षक केंद्रित विधि है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो व्याख्यान विधि है यह शिक्षक केंद्रित विधि होती है, इसके केंद्र में शिक्षक होता है, क्योंकि मेन शिक्षक को ही देखा जाता है, शिक्षक क्या बोलता है उसको बच्चे ग्रहण करते हैं। तो यह प्रभुत्ववादी, जो प्रभुत्व है वो केवल शिक्षक का चलता है। यह याद करने में योग्य विधि है क्योंकि इसमें याद करने पर बल दिया जाता है, इसे मेमोरी लेवल विधि भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें याद करने पर अधिक बल दिया जाता है ताकि शिक्षक एक बार व्याख्यान दे और बच्चे उसे एक ही बार में याद कर लें। तो इसलिए भी उपयोगी थी क्योंकि जो बच्चों का ध्यान है वो केंद्रित था अपने शिक्षक की बात की ओर, कि शिक्षक हमसे क्या कह रहा है, किस विषय में बात कर रहे हैं। यह विधि सामाजिक विषय जैसे विषय के लिए उपयोगी विधि है, क्योंकि ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान हम कहें, जिसमें कि हमें केवल व्याख्यान देकर ही हमें एक अच्छी सी स्टोरी बताएं कि भाई कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कब हुआ था, व्याख्यान के द्वारा हम समझा सकते हैं।
इस विधि में पाठ्य पुस्तक पर आधारित पाठ्य पुस्तक पर अधिक बल दिया जाता है, अर्थात कि जो जिस बारे में हम पढ़ा रहे हैं उस पर इसमें अधिक बल दिया जाएगा कि क्या चीज हमें पढ़ानी है। इस विधि में शिक्षक क्रियाशील तथा बालक श्रोता होता है। देखिए, इस विधि की खामी भी हम कहेंगे कि शिक्षक तो इसमें क्या रहेगा, क्रियाशील रहेगा, क्योंकि उसे बालकों को समझाना है, लेकिन जो बालक है वो श्रोता होता है, वो सिर्फ सुनता रहता है, तो इसलिए बालक इसमें ज्यादा अपनी रुचि नहीं दिखाता है, क्रियाशील नहीं रहता है। शिक्षक केंद्रित विधि की विशेषताएं देखें, सॉरी व्याख्यान विधि की, यहां पर एक गलत लिखा हुआ है, ये व्याख्यान विधि होना चाहिए। यह विधि बालक के ध्यान को केंद्र करने के लिए उपयोगी विधि है, क्योंकि बालक जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखता है। इस विधि के द्वारा समय तथा संसाधनों की बचत होती है, क्योंकि भाई इसके लिए ना आपको कागज चाहिए, ना पेन चाहिए, ना कोई अन्य सामग्री की आवश्यकता है, बल्कि आपको केवल व्याख्यान देना है और बच्चों को सुनना है, इसीलिए इसमें समय और संसाधनों की बचत हो जाती है। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है, किस प्रकार से जो शिक्षक को पढ़ाना है वो कितना प्रभावशाली हो, इसके लिए शिक्षक अनेक प्रकार से अपने व्याख्यान देता है। बालकों में मौलिक चिंतन का विकास होता है। देख लेते हैं व्याख्यान विधि की सीमाएं, कौन कौन सी सीमाएं इसकी। इस विधि में छात्र क्रियाशील नहीं होते, क्यों, क्योंकि छात्र केवल श्रोता होता है, इसलिए वह क्रियाशील नहीं होता है। इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं के लिए किया जा सकता है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग नहीं हो सकता है, बच्चे व्याख्यान नहीं सुनते, बल्कि बच्चों के लिए खेल विधि सबसे उपयुक्त होती है, जिस पर वह ध्यान देते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। तो जो व्याख्यान विधि है इसका जो इस्तेमाल है ये ऊंचे स्तर पर किया जाना जरूरी है। यह एक इंद्रिय अनुदेशन पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है, एक इंद्रिय अनुदेशन, ठीक है, इसका मतलब यह है कि बालक इंद्रिय का एक इंद्रिय का प्रयोग करता है जो है सुनना, बस वो क्या करता है अपने शिक्षक की बातों को सुनता है और उसे याद करने की कोशिश करता है, और जो और इंद्रियां हैं वो काम में नहीं आती जल्दी से। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक का एकाधिकार होता है कि वह बच्चों को किस तरह पढ़ाए और क्या पढ़ाए, बच्चों का इसमें कोई भी रोल ज़्यादा नहीं होता है, उन्हें केवल सुनना ही होता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि नहीं मानी गई है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मनोवैज्ञानिक विधि क्या होती है, जो जिसका पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होता है वो ही मनोवैज्ञानिक विधि होती है। मनोवैज्ञानिक विधि वह विधि होती है जिसका पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होता है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं। यह विधि शिक्षण के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन अधिगम के लिए नहीं होती है, यानी पढ़ाने के लिए तो उपयुक्त है अधिगम, लेकिन बच्चों के सीखने के लिए इतना उपयोगी यह विधि नहीं होती है। इसमें शिक्षक के विषय से भटक जाने का भय होता है, अर्थात मैं शिक्षक क्या पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इस चीज़ का भय होता है, क्योंकि शिक्षक अपने मन में जो शिक्षक को याद है वो उससे ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताने का प्रयास करता है, तो शिक्षक के विषय से भटकने का भय इस विधि में होता है। कुशल अध्यापक के लिए यह विधि ठीक है, भाई अगर जो अध्यापक है वो कुशल है, ठीक है, यानी एक्सपीरियंस अध्यापक को बहुत ज़्यादा है, उसके लिए यह विधि ठीक है। इस विधि में बच्चों से फीडबैक नहीं लिया जा सकता, अर्थात कि बच्चों से वो रिस्पॉन्स नहीं ले सकते कि उन्हें कितना आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों केवल सुनना ही है और शिक्षक को केवल बोलना ही है। व्याख्यान विधि है तो सुझाव भी आप देख लीजिए यहाँ पर, योग्य शिक्षकों को ही व्याख्यान विधि का अनुसरण करना चाहिए, जो शिक्षक योग्य हैं उनको ही व्याख्यान विधि का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं। शिक्षकों को बालकों के मानसिक स्तर एवं रुचियों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का मानसिक स्तर क्या है और उनकी रुचियां क्या है, इसी के आधार पर शिक्षक को अपना जो व्याख्यान है वो देना चाहिए। व्याख्यान के समय विकासात्मक प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे कि बालक को एक सही दिशा निर्देश मिले। इस विधि का प्रयोग माध्यमिक कक्षाओं से आरंभ करना चाहिए, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के स्तर पर उपयोग अधिक किया जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ प्राथमिक स्तर पर यह विधि सही नहीं होती है, क्योंकि बच्चे माध्यमिक कक्षाओं में सक्षम हो जाते हैं कि भाई एकाग्र हो सकते हैं,
शिक्षक की बातों को सुन सकते हैं, ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जबकि छोटे स्तर पर ऐसा नहीं होता है। व्याख्यान से कक्षा का वातावरण नीरस तथा गंभीर हो जाता है, इसीलिए बीच बीच में हास्य विनोद का भी समावेश करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप हास्य विनोद कर तो रहे हैं, लेकिन वो विषय से संबंधित ही होना जरूरी है। विषय से बाहर की बातें नहीं होनी चाहिए, अर्थात कि अगर हम मान लो कि हम पढ़ा रहे हैं आगरा के बारे में, आगरा के ताजमहल के बारे में, और अगर उसी बीच हम कुतुब मीनार की बात करने लगे तो बच्चों को ये लगेगा कि भाई दोनों में कोई रिलेशन है और वो उन्हें याद कर लेंगे। इसीलिए विषय से बाहर नहीं बात नहीं करनी चाहिए, जिस विषय हम पढ़ा रहे हैं उसी पर ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। व्याख्यान विधि के पश्चात छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देने हेतु ट्यूटोरियल कालांश लगाए जाने चाहिए, अर्थात कि व्याख्यान के बाद शिक्षक को बच्चों को एक एक करके बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि जो उन्होंने पढ़ाया है उसमें से उन्हें क्या समझ में आया। उसकी जानकारी शिक्षक को लेना बहुत जरूरी है कि बच्चों को वो समझ में आया भी है या नहीं समझ में आया। प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि वह विधि है जिसमें शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से वस्तु या उसका प्रतिरूप को दिखाकर शिक्षण कार्य करता है। अर्थात प्रदर्शन विधि में शिक्षक एक डेमो दिखाता है, जिस डेमो को बच्चे देखते हैं कि वे किस प्रकार से यह जो वस्तु है या ये जो चीज़ है यह काम करती है। प्रदर्शन का मतलब ही हो गया डेमोस्ट्रेशन, यानी कि दिखाना, ठीक है। इस विधि में देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि देखो सुनो और समझो सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी विधि आती है, तो प्रदर्शन विधि इसके अंतर्गत आती है। इस विधि को बहुज्ञान केंद्रित विधि भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें एक से अधिक इंद्रियां बच्चों की काम करती है, जैसे कि वे वो देखते हैं, चाहे तो छू भी सकते हैं उस वस्तु को जा करके, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो कई सारी जो इंद्रियां हैं वो एक समय पर काम करती है। इसलिए प्रदर्शन विधि को बहुज्ञान केंद्रित विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षक कोई भी प्रयोग करता है वह बालक के सम्मुख होता है, अर्थात जो भी प्रयोग किया जाएगा वो बालक के सामने ही होगा, अर्थात बालक को इमेजिन करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये चीज़ क्या होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, ठीक है। जिससे बालक की रुचि बनी रहती है, क्योंकि बालक को वो चीज़ सामने दिखाई दे रही है तो जिज्ञासा आप जानते हैं कि बच्चे में पहले से ही होती है, उसकी रुचि होती है, वो जानने की कोशिश करता है कि यह क्या है और कैसे काम कर रहा है, वह अधिक से अधिक जानने का प्रयास करता है कि यह क्या चीज़ है। इस विधि से जो ज्ञान बच्चों को प्राप्त होता है वह अस्थायी होता है। दोस्तों जिस प्रकार से आप अगर कोई मूवी देखते हैं ना तो मूवी आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगी, लेकिन अगर आपने कुछ सुना होगा या आप कुछ पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत देर से याद होगा और ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। लेकिन कोई मूवी आपको बहुत लंबे समय तक याद होती है, ध्यान होती है। तो यही कारण है अगर हम कोई चीज़ अपनी आंखों से देखें, सुने, समझें तो वो ज़्यादा स्थायी रहती है। यह विधि शिक्षक प्रशिक्षक संस्थान में अधिक उपयोग होती है, अर्थात जहाँ पर शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है किस प्रकार से आपको बच्चों को पढ़ाना है, वहाँ पर प्रदर्शन विधि का ही प्रयोग अधिक होता है, ठीक है। देख लेते हैं अच्छे प्रदर्शन विधि की विशेषताएं। अगर हमें अच्छा प्रदर्शन विधि का इस्तेमाल करना है तो उसकी क्या विशेषताएं होंगी? नंबर वन देखें, प्रयोग पूर्व नियोजित होना चाहिए तथा प्रयोग को दिखाने से पहले उसका परीक्षण करना आवश्यक है, अर्थात डेमो का अभ्यास करना जरूरी है, जरूर कर लेना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो हम जो प्रयोग करने वाले हैं उसका पहले से नियोजन होना बहुत जरूरी, तैयारी पहले से होनी बहुत ही ज़रूरी है कि हम अगले दिन क्लास में ये जो डेमो है दिखाने वाले हैं उसके लिए जो जो सामग्री चाहिए उसकी व्यवस्था पहले से हो जानी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात भाई, अगर हमने भाई समझ लो सामग्री का पूरा कलेक्शन हमने कर लिया है, अब उसका परीक्षण भी करना बहुत ज़रूरी है। हमें एक बार चेक कर लेना है कि वो किस प्रकार से काम कर रहा है और सही काम कर भी रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों के सामने हम प्रयोग करने जाएं और वो सफल ना हो पाए। तो इसीलिए उसका पहले से परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। जिसका प्रदर्शन किया जा रहा है इसका उद्देश्य छाप हो कि हम ये चीज़ बता रहे हैं बच्चों को, इसका क्या उद्देश्य है। अगर परीक्षण जटिल है अर्थात कठिन है
तो उसमें बच्चों को भी शामिल कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों को स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ समझ में आने लग जाएगी। अगर बच्चों को शामिल नहीं करेंगे तो बच्चे बीच में भूल जाएंगे कि इससे पहले क्या हुआ था या क्या बताया था। परीक्षण की समय सामान्य अर्थात ना तो अधिक तीव्र और ना ही मंद होना चाहिए, अर्थात कि जो हम परीक्षण कर रहे हैं वो इतना धीरे भी ना बताया जाए कि समय ज़्यादा लगे और इतना तीव्र भी ना हो कि समझ में भी ना आए। इसलिए एक सामान्य समय होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि आपको नॉर्मल स्पीड से बच्चे को वो चीज़ समझानी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। प्रदर्शन के साथ चार्ट तथा मॉडल का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। सामग्री हमेशा अधिक ही रखें, इसका क्या मतलब हुआ? भाई देखिए, मान लो कि आप साइंस का कुछ बताने जा रहे हैं, ठीक है, इसमें आपका साइंस के जो अलग अलग सामान होते हैं उनमें से मान लो कोई सामान टूट जाता है, खो जाता है, गिर जाता है, तो आप ये प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक एक्स्ट्रा अपने साथ ज़रूर रखें कि अगर एक किसी कारणवश खराब हो जाता है तो दूसरे का जो इस्तेमाल है वो किया जा सके। प्रदर्शन विधि के गुण देख लेते हैं। यह विधि अधिक महंगी नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम केवल मॉडल का ही प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बड़ी वस्तु है उसको उठा के क्लास में ले आए, हम बल्कि उसका मॉडल लेके आते हैं और उससे बच्चों को समझाते हैं। प्रतिरूप का प्रयोग करके परीक्षण किया जाता है, प्रतिरूप यानी कि उसका छोटा रूप। अमूर्त कल्पना का सहारा नहीं लेना पड़ता, अर्थात बच्चों को इमेजिन नहीं करना होता कि यार जो हमारे सर बता रहे हैं वो क्या है और वो कैसा दिखता है या कैसा होता है, ठीक है, तो वो चीज़ आपके सामने है, आप देख के पहचान सकते हैं, बता सकते हैं। डेमो उन्हीं विषय का देना चाहिए जो बच्चों के लिए हानिकारक ना हो, अर्थात हम जो डेमो बच्चों को देने जा रहे हैं वो ऐसे विषय पर हो जैसे कि परमाणु का विषय आ जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, ठीक है, तो उन्हीं विषय का देना ज़्यादा ज़रूरी है जो कि बच्चों के लिए हानिकारक ना हो। प्रदर्शन विधि के दोष भी देख लेते हैं। यह विधि अध्यापक सबसे बड़ा दोष तो देखो बच्चों यही है कि यह जो विधि है यह अध्यापक केंद्रित है, क्योंकि सारा जो काम है वो अध्यापक को ही करना होता है, बच्चों को सिर्फ देखना समझना होता है, ठीक है। बच्चों को स्वयं करने के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। सभी टॉपिक को इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता, यानी कुछ ही टॉपिक हम इससे कंप्लीट कर सकते हैं, सभी में डेमो नहीं दिखाया जा सकता है। कुछ ही शिक्षक इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो कुशल शिक्षक हैं वो इस विधि का अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तीसरी जो विधि है वो हम बात कर रहे थे शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत। तीसरा आता है व्याख्यान प्रदर्शन विधि। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी दो चार लाइनें मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। यह शिक्षण विधि व्याख्यान विधि तथा प्रदर्शन विधि दोनों का ही मिला जुला रूप होता है। इसमें दोनों के ही गुण सम्मिलित होते हैं। इसमें व्याख्यान के साथ साथ प्रदर्शन भी किया जाता है और इस विधि के द्वारा शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर हम डेमो दे रहे हैं और साथ ही साथ हम उसका व्याख्यान भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं बच्चों को, ठीक है, तो ये दोनों क्या चीज़, ये दोनों चीज़ हो जाएंगी कंबाइन, जिससे और अच्छा बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए यह होती है व्याख्यान विधि। हम देख लेते हैं खेल विधि, जिसे हम प्लेइंग मेथड भी कहा जाता है। इसके जन्मदाता हैं फ्रोबेल इसके जन्मदाता हैं। जो खेल विधि नाम दिया है, ये नाम दिया है कुक ने। कुक जो थे ये फेब्रोल के क्या थे, छात्र थे, तो इन्होंने इस खेल विधि नाम इस विधि को दिया है। तो देख लेते इस विधि के बारे में। इस विधि के अंतर्गत बिना तनाव के बालक सीखने का कार्य करता है। देखो, जब बच्चा खेलता है तो उस बच्चे के अंदर कोई भी तनाव नहीं होता है, वो खुले दिल से खेलने की कोशिश करता है और खेलता भी है, ठीक है, इसलिए बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है और उसका जो ज्ञान होता है वो अस्थायी भी हो जाता है। बालक स्वयं की गति से सीखता है। बालक खेल खेल में अपनी गति से ही सीखने का प्रयास करता है और सीखता है, उस पर कोई फोर्स नहीं होता है। बालक मुसीबत तथा बिना तनाव के सीखता है। इस विधि के जो समर्थक हैं उनमें है मारिया मोंटेसरी, पेस्टोलॉजी, कुक यहाँ पर आप देख लें, और फोबेल जो कि ये है। तो ये इस विधि के समर्थक हैं कि भाई जो खेल विधि है ये
ज्यादा सही विधि है या अच्छी विधि है। खेल विधि पर आधारित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, आप देख सकते हैं स्व अनुशासन, जब बच्चे खेलते हैं तो अपने आप को अनुशासन में बनाए रखते हैं। विद्यालय उत्सव हो गया, एनसीसी हो गया, स्काउट हो गया, नाटक एवं सामूहिक गान हो गया, नमूने एकत्रित करना हो गया, पेंटिंग बनाना, कार्डबोर्ड गेम्स खेलना, तो इस तरह की जो सहगामी क्रियाएं हैं ये सभी बाल अधिगम को प्रेरित करती है, यानी कि बच्चे को सीखने में प्रेरित करती हैं। खेल विधि के सिद्धांत हम देखें तो शिक्षक और अभिभावक के मध्य सामंजस्य है वो स्थापित होता है। शिक्षक ऐसा वातावरण बनाता है जिससे बच्चों में विज्ञान और कला के प्रति जो रुचि है वो उत्पन्न होती है। शिक्षण विधि को लचीला जरूर बनाना चाहिए ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आए। और बच्चे की रुचि के अनुरूप, भाई देखो बच्चे की रुचि के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो वो एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं कहलाएगी। जिस प्रकार से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो शिक्षक केंद्रित विधियाँ होती हैं वो मनोवैज्ञानिक विधि नहीं मानी जाती है, जबकि जो बाल केंद्रित विधि होती है वो मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। तो बच्चे की रुचि का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं प्रश्न उत्तर विधि, इसे तर्क विधि भी कहा जाता है और सुकराती विधि भी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जो जनक हैं वो सुकरात ही है, सुकरात दार्शनिक थे। हम देखें जो प्रश्नोत्तर विधि है वो बाल केंद्रित विधि है, बालक सामने शिक्षक पीछे होता है, अर्थात इस विधि में जितनी भी मनोवैज्ञानिक विधियाँ होंगी उसमें बालक ही सामने होगा, यानी बालक ही केंद्र में होगा और शिक्षक पीछे होगा, उसको बल देने का काम करता है। सुकरात का यह मानना था कि ज्ञान बच्चे में होता है, शिक्षक उसे बाहर निकालने का काम करता है। अब इस बात से आप क्या समझे, ज्ञान बच्चे में होता है अर्थात कि भाई बच्चे को कुछ ज्ञान तो पहले से पता होता है, ठीक है, बस शिक्षक को क्या करना है कि प्रश्नों को पूछते जाना है जिससे कि वो सही ज्ञान तक पहुंच जाए और वो जो बात है वो बच्चों से ही बुलवाई जा सके, ठीक है। तो इसलिए सुकरात का यह कहना था कि ज्ञान बच्चे में होता है, शिक्षक केवल उसे बाहर निकालने का काम करता है। आप देख सकते हैं कि इस विधि के अनुसार पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने से पहले उसकी जांच कर लेनी चाहिए। अब देखिए प्रश्नोत्तर विधि से क्या होता है, भाई हमको आज मान लो हम एक नया पाठ पढ़ाने वाले हैं तो उस लेसन से संबंधित बच्चों से प्रश्न जरूर करने चाहिए उनके, भाई हर कोई बच्चा अपना अलग अलग मत जो है वो देगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि बच्चे इस विषय में कितना जानते हैं। तो देखना लिखा है अर्थात बच्चों के विषय के संबंध में प्रश्न पूछकर बच्चों के ज्ञान के बारे में जान लेना आवश्यक होता है कि बच्चों को जो हम पढ़ाने वाले हैं उस संबंध में कितना ज्ञान है। प्रश्नोत्तर विधि की विशेषताएं देख लें तो बालक के मानसिक स्तर तथा रुचि का पता लगाया जा सकता है इस विधि के द्वारा। बच्चे हमें बता सकते, भाई देखो अगर बच्चों का जो मानसिक स्तर और रुचि है वो अधिक होगी तो बच्चे बिल्कुल सटीक जवाब देंगे, उनको कुछ तो थोड़ा बहुत पहले से पता होता है। इस विधि में बालक अधिक क्रियाशील रहता है, क्यों? क्योंकि बच्चों को जवाब देना होता है। यह ज्ञान बालक के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, यानी कि बच्चे को कुछ जो पहले से पता होता है वही वो बताता है, उसी के आधार पर यह विधि कार्य करती है। बालक को स्वयं सोचने के अवसर मिलते हैं, भाई वो खुद सोचेगा तभी तो जवाब देगा वो, तो इसलिए उसे बच्चे को सोचने का अवसर मिलता है ताकि वो प्रश्नों का उत्तर दे सके। माध्यमिक कक्षा के लिए उपयोगी है, यह विधि जो है वो माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए यह उपयोगी बिल्कुल नहीं होती क्योंकि बच्चों को अधिकतर बातें मालूम नहीं होती हैं। तो माध्यमिक कक्षा के लिए यह विधि बिल्कुल सही है क्योंकि इस उम्र में जो बच्चा होता है वो काफी ज्ञान अपने अंदर समाहित कर लेता है। इस विधि में सभी छात्र क्रियाशील होते हैं, भाई सभी छात्र, क्योंकि सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सबको जवाब देना होगा, चाहे वो कुछ भी जवाब दें, सही दें गलत दें कैसा भी दें, तो सभी छात्र क्रियाशील होते हैं और जो कोई दूसरा छात्र जवाब देता है उसको सुनकर भी उनको कुछ समझ में आता है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा ही होना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि की थोड़ा सीमाएं देख लेते हैं यहाँ पर हम। यह एक यांत्रिक विधि है इसलिए प्रश्नोत्तर में नीरसता आ जाती है जिस कारण यह विषय थोड़ा बोरिंग बन जाता है, प्रश्न पूछते जाएंगे बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो जो विषय है वो बोरिंग ही हो जाएगा, बच्चों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता है, बच्चों को नहीं पता कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं उससे संबंधित क्या प्रश्नोत्तर हमें करने हैं या हमें शिक्षक क्या हमसे पूछेंगे।
ये इसकी सीमाएं हैं। सुझाव देख लें, यहाँ पर प्रश्नों को आसान से कठिन की ओर पूछना चाहिए। सबसे पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए, जो बिल्कुल आसान प्रश्न है उनको पूछना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ना चाहिए, प्रश्नों का स्पष्टीकरण करना चाहिए। अगर बच्चों को प्रश्न समझ में नहीं आया तो टीचर को दोबारा से प्रश्नों को बताना चाहिए। प्रश्नों का वितरण समान रूप से करना चाहिए। गलत उत्तर को समझाना चाहिए, भाई अगर बच्चों ने गलत उत्तर दे दिया है, कोई भी बच्चा उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो शिक्षक को उसका उत्तर देना बहुत ही जरूरी है। तीसरा हम देख लेते हैं शैक्षिक पर्यटन विधि, जिसे भ्रमण विधि भी कहा जाता है। इसके जनक है प्रोफेसर रेन। इस विधि में तीन प्रमुख गुण होते हैं, पहला होता है सहायक सामग्री, दूसरा होता है सहायक क्रिया और तीसरा होता है शिक्षण विधि। तो आप देखिए किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले जो सहायक सामग्री होती है, अब उसमें क्या काम होता है, हम बात कर रहे थे शैक्षिक पर्यटक विधि की। पर्यटन का मतलब क्या होता है कि बच्चों को भ्रमण के लिए बाहर ले जाना, इस विधि के अंतर्गत यही काम होता है। तो जब हम बच्चे को बाहर लेके जाएंगे तो सहायक सामग्री के रूप में जो चीज हम बच्चे को दिखाने वाले हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम बच्चे को लाल किला दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर बच्चे उस लाल किले को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक सहायक सामग्री के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। शिक्षण विधि कैसे, देखिए हम बच्चे को पहले लाल किले के बारे में पढ़ाया जा चुका है, अब हमने बच्चे को पढ़ा तो दिया कि भाई लाल किला ये होता है या ऐसा दिखता है, ठीक है, लेकिन वो अभी आधा ज्ञान है बच्चे के लिए, अधूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान करने के लिए हमने बच्चे को क्या किया, प्रत्यक्ष रूप से भी दिखा दिया। तो देखो शिक्षण विधि से, यानी कि पहले हमें बता दिया और बाद में बच्चे को वो चीज दिखा दिया। सहायक सहगामी क्रियाएं, भाई इसके साथ साथ जो करिकुलर जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। एक से पांच तक कक्षा में इस विधि का मुख्य रोल होता है, प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं को दिखाया जाता है। बालक अपने ज्ञान को बाहरी वातावरण के साथ जोड़कर अपने ज्ञान को स्थायी कर लेता है, क्योंकि कुछ तो बच्चे को पहले बता चुके हैं और कुछ वो खुद प्रत्यक्ष रूप से जब देखेगा तो वो ज्ञान उसके अंदर स्थायी हो जाता है। बालक को पर्यटन के बारे में कम से कम 20 से 25 दिन पहले बता देना चाहिए, ठीक है, जिससे वो उसके बारे में कुछ अध्ययन कर सके, जान सके, पेरेंट्स को बताया जा सके, जितने भी काम होते हैं ये सब कंप्लीट हो जाने चाहिए। शैक्षिक पर्यटक विधि की उपयोगिता देखें तो यह बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, भाई बच्चे जो चीज देखते हैं वो ज्ञान स्थायी हो जाता है, सहयोग की भावना का विकास होता है, बालक में निरीक्षक, विश्लेषण, तर्क शक्ति, अनुसंधान का विकास होता है, देश की संस्कृति तथा ऐतिहासिकता से बच्चा अवगत होता है। आखिर में देख लेते हैं शैक्षिक पर्यटक विधि की सीमाएं। इस विधि में ज्यादा समय लगता है, धन भी ज्यादा लगेगा और शक्ति की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि भाई कहीं बाहर जाना है तो समय तो उसमें लगता है। यह विधि का प्रयोग हम केवल अवकाश के समय ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर भाई आपका स्कूल चल रहा है उस वक्त अगर हम बच्चे को पर्यटक पे ले जाएं तो उसका जो पढ़ाई है उसका लॉस हो जाएगा। गरीब छात्र इससे वंचित रह जाता है, क्योंकि भाई जाने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है और धन बच्चे नहीं जुटा पाते हैं, गरीब वो इससे वंचित रह जाते हैं। ध्यान मनोरंजन की ओर आकर्षित हो जाता है, अर्थात बच्चे जब बाहर जाते हैं तो वो पढ़ाई से हट करके मनोरंजन के कामों में लग जाते हैं। मूल्यांकन करना आवश्यक है कि बालक को जिस उद्देश्य से बाहर ले जाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति हुई कि नहीं हुई। तो इसके लिए टीचर को भाई जब वापस पर्यटक विधि से वापस हम पर्यटक देख करके या बाहर जा करके जब हम वापस आए अपनी कक्षा में तो बच्चों से इस बारे में प्रश्न पूछने चाहिए कि जो उन्होंने देखा वो क्या था, कैसे था, कि बच्चों को उससे कितना फायदा हुआ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें।